what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Hello, welcome back to a new vlog. कैसे हम सभी होगी वाले फाइन. तो आज का ब्लॉग जो है वो मॉडिफिकेशन ब्लॉग सीरीज का फोर्थ ब्लॉग है. और आज के मॉडिफिकेशन में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही चीप लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मॉडिफिकेशन. तो जो मॉडिफिकेशन है वो है इसके पायलट लाइट्स का, जो कि हेडलाइट में होता है. उसमें जो है हेलोजन लाइट लगे रहते हैं या फिर येलो कलर का लाइट समझ लीजिए. तो हम लोग उसको करने वाले हैं आज रेड कलर का. तो बिना कोई टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करें, बकवास वीडियो में करते हैं. सो गाइस, ये रहे उसके कुछ पायलट लाइट्स जो हम लोग आज खरीद के लाए हैं. और ये पड़े हैं 20 रुपीज़ पर पीस, मतलब 40 रुपये के ये दोनों हैं. और यही दोनों जो हम लोग उसके ओरिजिनल स्टॉक लाइट से रिप्लेस करने वाले हैं. तो अभी बाइक मैंने बाहर निकाल दिया है और अभी हम लोग चल रहे हैं बाहर. पहले ओरिजिनल्स निकालेंगे और ये प्लेस करेंगे, उसके बाद फिर आपको सिनेमैटिक्स में दिखाएंगे. सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मैंने बाइक स्टार्ट कर दिया है. और ये है पायलट लाइट्स जो कि मेरे बाइक में आप देख सकते हैं. तो इसी को हम लोग चेंज करने वाले हैं इनसे. तो अब चलते हैं इनको चेंज करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कैसा लुक आ रहा है. सो इससे आप लोग इसके पीछे आएंगे यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पर एक ये वायर दिखेगा, इसको बस सिंपली आपको प्लग आउट करना है तो आपको ये दिख जाएगा. और आपको इसमें से ये बल्ब को पकड़ के जस्ट सिंपली बाहर पुल कर लेना है, फिर निकल आएगा. इसको भी हम लोग करते हैं थोड़ा अच्छे जगह रखते हैं, तो पहले मैंने इसे पैर रख दिया तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा. इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं. और क्योंकि मेरे पास दो ही हाथ हैं तो मैं किसी तरह मैनेज कर रहा हूँ. इसको यहाँ पे हम लोग प्लग इन कर देंगे तो ये बहुत मस्त सेट हो जाएगा. तो अब प्लग इन करते हैं पहले और फिर चेक करते हैं कि ये जल भी रहा है कि नहीं जल रहा. सो गाइस, फाइनली जो है आप लोग देख सकते हैं कि लाइट जो है थोड़ा जलने लगा है. इसको बस हम लोग वापस से प्लग इन कर देना है जहाँ से हम लोग इसको प्लग आउट किए थे. तो बस सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं. उसको निकाले हम लोग, इसको डाल दिए यहाँ पर, ये जलने लगा है. मतलब इसको सिंपली हम लोग प्लग इन कर देंगे और फिर यहाँ पर लाइट दिखने लगेगा. तो सेम हम लोग कोशिश इस पर भी करेंगे और फिर आपको मिलते हैं सिनेमैटिक्स के साथ. सो गाइस, फाइनली जो है दोनों बल्ब चेंज हो चुके हैं और ये रहे इसके ओरिजिनल पायलट बल्ब. बाकी ये रहा कुछ इसका लुक रेड कलर में, जो कि सही लग रहा है. इतना ब्राइट नहीं है लेकिन हाँ, काम चल जाएगा. रात के समय अच्छे से दिखेगा, अभी इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि रेड कलर है, लेकिन रात के समय बहुत अच्छा दिखेगा, तगड़ा दिखेगा एकदम. और बस यही है सस्ता सा मॉडिफिकेशन, 40 रुपीज़ मॉडिफिकेशन है सिर्फ. और ये आप लोग घर में भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने घर में ही किया है. ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस आप लोग को यहाँ सिंपली प्लग आउट करना है और फिर प्लग इन करके और फिर वापस से प्लग इन कर देना है. और ये आप लोग कोई भी बाइक के सर्विस सेंटर या कहीं भी बाइक का कोई भी अगर शॉप है वहाँ पर इजीली अवेलेबल है. ये ऐसा कुछ नहीं है कि तो मतलब ऑनलाइन आपको ऑर्डर करना ही पड़ेगा. बाकी अगर आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑफलाइन ही खरीदें क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सस्ता पड़ जाता है. सो गाइस, ये है शाम का वक्त और एज यू कैन सी ये एलईडी वाले रेड लाइट क्या सेक्सी लग रहे हैं. वाओ, दोपहर के समय इतना मस्त ही नहीं दिख रहे थे लेकिन अभी तो एकदम वाओ. जस्ट लुक एट इट, ओ माय गॉड, हाउ ऑसम दे आर लुकिंग. ओ माय गॉड, डेविल डेविल, इट्स लाइक डेविल आईज, नाइस. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग एंड आई होप कि आप लोगों को मॉडिफिकेशन सीरीज़ का व्लॉग नंबर 4 बहुत मस्त लगा होगा. और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आज का जो मॉडिफिकेशन है, क्योंकि ये सस्ता भी है
और इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैं अभी एक शॉर्ट स्पिन के लिए निकला था और मेरे को इतना रिएक्शन इतने मस्त मस्त मिल रहे थे, सब मुड़ मुड़ के देख रहे थे, और नहीं तो बहुत लोग मेरे को ओवरटेक भी कर रहे थे बस वो देखने के लिए कि आगे का जो ये रेड लाइट जो मैंने लगाया है जो पायलट लाइट्स है उनको देखने के लिए लोग मुझे ओवरटेक कर रहे थे और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। मतलब अब मेरे को लग रहा है ना, जो मैंने ड्रीम देखा है कि मतलब मैं अपने एनएस को ऐसा बना दूं कि सब लोग मतलब मेरे को इतने भर भर के रिएक्शंस दें और सब लोग मेरे एनएस के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए उत्तेजित हों, तो मेरे को लग रहा है कि मैं धीरे धीरे ड्रीम के बहुत करीब जा रहा हूँ, क्योंकि लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, आगे निकल के देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं, बहुत मतलब अच्छा अच्छा रिएक्शन मिल रहा है मेरे को। सो आई होप आप लोग को ये व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा, वैसे बहुत अंधेरा हो गया तो अभी उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा होगा व्लॉग का, तो बस आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए मॉडिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।